तो दोस्तों ये है ये महाबोधि ट्री जहाँ पे बुद्धा को एनलाइटमेंट या ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे मुस्लिम्स के लिए मक्का मदीना हो गया, तो ये बोध गया बुद्धिस्टों के लिए उतनी ही पवित्र जगह है। 7 दिन तक लगातार कंटिन्यूसली वहाँ से और यहाँ बोधि ट्री को देखते रहे। देखो तो दोस्तों ये थाईलैंड के राजा रानी ने डोनेट किया 2013 में, और 289 किलो 289 किलो का रियल गोल्ड का है ये। तो दोस्तों ये मेन टेंपल है यहाँ पर। बुद्धा ने यहाँ पे 7 वीक स्पेंड किए थे, जो कि बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों टाइम हो रहा है 9:45 और मैं जा रहा हूँ आसपास की जितनी भी मॉनेस्ट्री है वो विजिट करने, और प्लस अफकोर्स महाबोधि टेम्पल। तो सबसे पहले महाबोधि टेम्पल विजिट करेंगे और उसके पास आसपास की सारी मॉनेस्ट्री। तो दोस्तों तो फाइनली अपना जो डेस्टिनेशन महाबोधि टेम्पल हम लोग आ गए हैं, और सामने आप देखिए ये है जहाँ पे अपना कुछ डिपॉजिट करना है वो कर सकते हैं। तो पूछते हैं कैमरा के चार्जेस कितने हैं। थैंक यू। वी फाइनली एंटर्स इन द टेम्पल, और ये देखिए ऐसी कुछ साइट है, और देखिए हाउ ब्यूटीफुल दिस गार्डन इज। बड़ी मंदिर जो हम लोग आप देखेंगे इसकी ऊंचाई 180 फीट है। इसे बनवाले वाले हैं सम्राट अशोक कलिंग युद्ध करने का बाद 3rd century BC में। ओके 2300 वर्ष पहले उन्होंने 30 फीट बनवाए थे, इसलिए कि बुद्ध बोल चुके थे ना बुद्धा कि हम तो भगवान है नहीं, हमारा मंदिर नहीं बनवाना, नहीं हमारी मूर्ति का पूजा करना। अशोक के पेड़ में मूर्ति पूजा नहीं होता था, नहीं मंदिर थी, वो लोग बोधि पेड़ को करते थे, बोधि पेड़ बुद्धा का फूट पेड़ था। अशोक ने जो बनाया था उसे लोग बौद्ध विहार बोलते थे। अच्छा, बौद्ध विहार मतलब वहाँ पे बैठते थे और उनकी ओपन था वो, अच्छा मेडिटेशन करते थे। ठीक है। इस मंदिर का नाम महा बोधि मंदिर है। महा मतलब महान, बड़ा, बोधि मीन्स ज्ञान। मंदिर किसी भी धर्म का आएंगे यहाँ कोई किसी को बोलने वाला नहीं। तो दोस्तों ये है मेन महाबोधि टेम्पल। तो दोस्तों ये मेन टेम्पल है यहाँ पर, देखिए कितना कितना अद्भुत। ये बंते जी चीवर लगाते हुए, Thank you.
जो बुद्धा है ये आई थिंक ये ब्लैक कलर का ये इनका ये मूर्ति है और उस पर ये गोल्डन पेंट किया गया है और ये भंते जी इनको चीवर अभी पहना है जस्ट और यहाँ पे बुद्धिस्ट प्रेयर चल रही है और यही मेन महाबोधि टेंपल है। अद्भुत राजकुमार आए थे ना सिद्धार्थ सेंचुरी बीसी में, इस प्लेस का नाम उरी विला था और ये जंगल थी, यहाँ पे जंगली जानवर जो रहते थे वो बोधी ट्री को नष्ट कर देते थे, उन्हें रक्षा करने के लिए सम्राट अशोक ने रेल लगवाए थे जो हम आपकी कॉपी किया है इसके दर्जा किस किया लेकिन कुछ कमेटी भी की रेल जो है आपका भी हम दिखा दें। अच्छा इस टाइप के रेलिंग अच्छा क्योंकि उन्हें 92 पीलर लगवाए थे अपने जमाने में बुद्धिया म्यूजियम में रख दीजिए देखिए रेल वाला ये बीच में जो है ब्लैक वाले ना हाँ जी एक पीस देखो ना अलग नजर आते हैं। अच्छा तो दोस्तों ये उसी टाइम के रियल है जो सम्राट अशोक ने लगवाए थे यहाँ पे टेंपल की सुरक्षा के लिए जानवरों से और बाकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी कॉपी बनवाई है जैसा आप देख सकते हैं। ये बोलिटरी आपको बुद्ध का लाइफ से फोर्थ जनरेशन है बुद्ध का लाइफ से। अच्छा पहला वाला अशोक की पत्नी कड़वा दी थी तो यहाँ से सम्राट अशोक ने श्रीलंका अपने बच्चों को दिए थे महेंद्र को और संगमित्रा को ये कि श्रीलंका में प्रचार करना। उसके बाद बोधि ट्री कटने के बाद सम्राट अशोक ने एक वज्रासन को निर्माण किए थे जो अभी आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा क्योंकि कितने लोग सोचे अशोक सोचा को भी पेड़ मिटा सकता है इसलिए वज्रासन लोगों को बताएगी कि बुद्धा यहाँ बैठा है। अच्छा तो वो यहाँ से श्रीलंका भेजे थे तो श्रीलंका में अनुराधापुरा में सोने का रेंज से गिरा गई तो जो अनुराधापुरा में जो है वो इसी का सैपलिंग है इसी का यहाँ इसी से लेके गए थे वो वहाँ लगा हुआ अशोक ने भेजा था ना यहाँ। अच्छा दूसरे ट्री को बंगाल का किंग आया था शेषांग 602 में उसने कटवाया था इसको वो भी बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे तो काट कर चले जाते थे जड़े रह जाती फिर दोबारा पानी देते थे निकल देती। तीसरा लेकिन जब मुगल काल आया मुस्लिम लोगों बख्तियार के लिए मंदिर तोड़ा खुदाई किया गया 600 साल बाद खुदाई करने से बोधि ट्री का जनरेशन खत्म हो गई वो वज्रासन मिला है जो कि अच्छा वो निर्माण किए थे अशोक। अच्छा ये अशोक ने किया था इधर वज्रासन जो अच्छा जो एनलाइटमेंट हुआ था जो ज्ञान किया इसी जगह पर हुआ था ये वज्रासन बनवाए थे उसी जगह पर पेड़ करती गई। ये पेड़ की कौन सी फिफ्थ जनरेशन है ये फोर्थ है फोर्थ है जिसकी आयु 140 इयर्स श्रीलंका से लाई गई। अच्छा साधु तो दोस्तों ये है ये महाबोधि ट्री जहाँ पे बुद्धा को एनलाइटमेंट या ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने से पहले वो सिद्धार्थ गौतम थे और जब ज्ञान मिल गया तो वो गौतम बुद्ध बन गए। हर एक बुद्धिस्ट आना चाहेगा इस जगह पे कम से कम लाइफ में एक बार। जैसे मुस्लिम्स के लिए मक्का मदीना हो गया तो ये बोध गया बुद्धिस्टों के लिए उतनी ही पवित्र जगह है। तो आप देख सकते हैं बंते जी वगैरह बैठे हों काफ़ी मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे अपनी प्रार्थना और ध्यान कर रहे हैं। ठीक है यहाँ से जब उठते हैं वो सफेद एक ट्री है छोटी सी बनाया है ना मंदिर। अच्छा बुद्ध वहाँ जाते हैं वो खड़ा होकर देखते हैं बोधि ट्री को एक दृष्टि कंटिन्यू 7 डेज। अच्छा सड़क नहीं गिरना। अच्छा कंटिन्यू 7 डेज बोधि ट्री को देखी थी क्योंकि मंदिर नहीं था वहाँ से इसे देखते मंदिर नहीं था। अच्छा बुद्ध ने इसलिए देखे मैंने बहुत जगह कष्ट किया साधना किया मुझे कहीं शांति नहीं मिली मैं किस तरह इस बोधि ट्री को धन्यवाद दूँ। अच्छा तो मैं इसका आभारी हूँ। अच्छा तो मुझे वो प्राप्त हुआ उसको नेत्र था खुली की खुली रहेगी। अच्छा 7 दिन तक लगातार कंटिन्यूसली वहाँ से और यहाँ बोधि ट्री को देखते रहे इसलिए वो प्लेस का नाम अनिमेय सलोचन बोला जाता है। अनिमेय सलोचन। अच्छा जब बुद्ध वहाँ से आते बुद्ध यहाँ पर 7 डे वॉकिंग मेडिटेशन आप लोग साधना कर रहे थे। अच्छा जहाँ पर रखे थे
एक कमल का फूल सम्राट अशोक ने बनवाया। अच्छा। 2300 साल पहले चौथे सप्ताह व्यतीत कर रहे थे ना। अच्छा, चौथे सप्ताह अति समुपात का। ये यहाँ पे कौन सा एक हफ्ता? तो चंक्रमण स्थल है, पहला बोधि ट्री हो गई, बोधि ट्री। सेकंड आपको लोचन टेम्पल, एनिमोस, ओके, लोचन टेम्पल। चंक्रमण हो गया, संक्रमण। अच्छा, हाँ हाँ। ये पानी कैसे रखा हुआ है भैया? पूजा में लगाते हैं। अच्छा, हेलो, फोर्थ वीक, चौथा। अच्छा, जब यहाँ साधना कर रहे थे तो आपने कहा भगवान पठान अर्थात सप्ताह व्यतीत किया था। अच्छा, फोर्थ वीक यहाँ पे आए थे। कोई भी चीज घटना घटती है इसके पीछे कारण होता है, इसकी 12 कड़ियाँ। अच्छा, वो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आई थी उनको ध्यान में, यहाँ पे ये सब चिंतन कर, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। उसी का पांच करण निकला था जो विद्युत प्रलय बनाया गया, जिसे पंचशील। अच्छा, देखो झंडा है। अच्छा, तो 12 कड़ियां में 4 आर्य सत्य हो गया, 8 अष्टांग मार्ग हो गया। अच्छा, अष्टांग की कड़ी है, 4 है इसकी कड़ी। तो किसी भी चीज या कहीं भी कुछ भी होगा, किसी कारण उसके पीछे कारण होता है, कारण होगा। जैसे तूफान भी अगर समुन्द्र में उठता है, मतलब उन्होंने ये जगह पे ये बताया, एक तो पंचशील का वो किया और दूसरा ये बताया कि कोई भी चीज के पीछे कारण होता है, बिना कारण का कोई भी घटना नहीं, कोई घटना नहीं होती। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है यहाँ पे, सच में। ये चारों जगहों पे किसी टाइम पे अभी से 2600 साल पहले बुद्ध यहाँ पे बैठे थे। तो सोचो, इतनी ज़्यादा होली और पवित्र इम्पोर्टेंट जगह है ये। यार, मैं तो सच में अंदर से थ्रिलिंग फील कर रहा हूँ ये सब देख के, बुद्ध इन चारों ये जगह हमने देखी हैं। बोधि ट्री हो गया, वो जहाँ से उन्होंने बोधि ट्री को देखा वो, और जहाँ पे वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं, और एक ये वाली जगह, यहाँ पे चारों जगह पे एक एक हफ्ता बुद्ध बैठे थे। सोचो कितनी इम्पोर्टेंट जगह है। ये देखिए कितना प्यारा ये वो है, बुद्ध का मूर्ति, और देखो किसी ने पानी चढ़ाया है, वेरी नाइस। कितना बढ़िया ट्रेडिशन है, केवल पानी ही चढ़ाते हैं और फ्लावर, वेरी नाइस। देखो इन स्तूपा को, बहुत बहुत पुराने हैं, करीब करीब हजारों साल पुराने हैं ये। तो दोस्तों, ये फिफ्थ वीक में इस जगह पे गौतम बुद्ध ने बताया ब्राह्मणों को कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, अपने कर्म से ब्राह्मण होता है। तो लिखा भी है इसके ऊपर, बुद्ध प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने इसी स्थान पे 5वां सप्ताह ध्यान में बताया, यहीं पर तथागत एक ब्राह्मण के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि मनुष्य जन्म से नहीं वरन कर्म से ब्राह्मण होता है। ये आपको अशोका का मेन गेट है। अच्छा, ये आपको और मुझे भी गाइड करती है कि जब वो खीर खा के आ रहे थे ना, ये मांग है आने का, सुजाता के हाथ से आने वाले राजकुमार सिद्धार्थ जो खीर खा के आने वाले राजकुमार थे। अच्छा, लेकिन यहाँ से जाने वाले तो बुद्ध हैं, बुद्ध है। हाँ, इसलिए अशोका ने अभी पत्थर में कारागर ये रियल है, ये तोड़ी गई थी। वो ऊपर जो गोल्ड का है वो रियल है? कैसे? वो गोल्ड रियल है, जो थाईलैंड का राजा रानी ने डोनेट किया है 2013 में अगस्त के महीने में। कितना किलो का है? 289 किलो, एक किलो कम, 290 किलो। थाईलैंड के राजा रानी। देखो दोस्तों, ये थाईलैंड के राजा रानी ने डोनेट किया 2013 में, और 289 किलो, 289 किलो का रियल गोल्ड का है ये। और अपनी श्रद्धा महीना था, वाह, पूरी श्रद्धा से ये इसको यहाँ पे लगवाया है, वही आज। तो आप समझ सकते हो इस जगह की इम्पोर्टेंस, इसको ऐसे मजाता है लोग। अच्छा, ये पंच लोहा है ना, ये दुनिया वंश की थी, तो बीच में लुम्बनी में कहते हैं कि हम आप चल नहीं सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, ये 6वां वीक गौतम बुद्ध ने यहाँ पे अपना स्पेंड किया था। तो यहाँ के पीछे भी एक स्टोरी है,
ये प्लेस रियल है, यहाँ पे नहीं है। ओरिजिनल जो बुद्ध कलाप में घटना घटी है यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है वो प्लेस जो बुद्ध का बात नहीं। यहाँ से एक गांव आता है मुशारिम गांव, अच्छा, वहाँ एक झील के किनारे जब बुद्ध बैठा था ना छठे सप्ताह में, उनके समय में आंधी बारिश जब तूफान शुरू हो गई, वो झील से निकलता है नागराज बुद्ध को इस तरह से पीटते है, ये जो सीन बनाया है, और बुद्ध को उठा करके वो फंड से बुद्धा को। तो जहाँ पर वो घटना घटी उस प्लेस का नाम मुचलिंद सरोवर है, मुचलिंद सरोवर, क्योंकि मुचलिंद नागराज ने बुद्ध की रचा किए थे। अच्छा, और तो दोस्तों ये आई थिंक ये भील है, इनके पीछे आई मीन इनको घुमाने का जो सिंबल है वो आई थिंक ये है कि उनका जो गौतम बुद्धा का जो धम्म चक्र है डेट हमेशा चलता रहे, मतलब उसका प्रचार प्रसार होता रहे, आई थिंक उसको ये सिंबलाइज करता है। बुद्धा ने यहाँ पे 7 वीक स्पेंड किए थे जो कि बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मुझसे रह गई हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में डाल के बता दीजिए। आप नेक्स्ट प्लेस विजिट करने के लिए जाएंगे तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।